नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ पयोधी शशि और बड़ी कवरेज लगातार जी न्यूज पर आपने देखी है सुबह से ही। अपडेट आपको बता देती हूँ, सबसे पहले दीपिका पादुकोण से पूछताछ के मामले में एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों ने बताया है कि दीपिका पादुकोण ने पूछताछ में चैट वाली बात कबूल कर ली है, लेकिन ड्रग्स की बात उन्होंने नहीं मानी है। यानी जिस व्हाट्सएप चैट के सामने आने के बाद दीपिका पादुकोण का नाम सामने आया, उसी के साथ उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश का नाम सामने आता है। अब जब चूंकि आमना सामना दोनों का हो रहा है, करिश्मा प्रकाश और दीपिका पादुकोण का, उनसे पूछताछ हो रही है दोनों को सामने बैठाकर, अब ये बहुत बड़ी खबर है कि उस व्हाट्सएप चैट को लेकर दीपिका पादुकोण ने कबूल कर ली है कि चैट वाली बात सही है, लेकिन ड्रग्स नहीं ली। ये वो कहती हैं, ड्रग्स लेने वाली बात को सरसिरे से खारिज कर दिया। वो इनकार कर रही हैं कि उन्होंने ड्रग्स का सेवन नहीं किया, लेकिन चैट वाली बात को उन्होंने कबूल किया है। यानी ये बात तो साफ है कि दीपिका पादुकोण ने ड्रग्स मंगवाई थी और करिश्मा प्रकाश के जरिए ही ड्रग्स मंगवाई गई थी। ये बहुत बड़ी अपडेट है, आप इसे समझिए कि अभी अगर दीपिका ये कहती है कि उन्होंने सेवन नहीं किया, ये अलग बात है, ये अलग एंगल है, इस पे आगे जांच का दायरा बढ़ेगा। लेकिन ये एक्सेप्ट करना दीपिका का कि उन्होंने ड्रग्स मंगवाई थी, ये भी आपराधिक श्रेणी में आता है। तो ये बहुत बड़ी जानकारी है, अभी पूछताछ हो रही है, क्योंकि इससे पहले जब 10 बजे वो पहुंची थी तो पौने दो घंटे की पूछताछ अकेले हुई थी। एक तरफ एनसीबी के अधिकारी दीपिका से पूछताछ कर रहे थे और करिश्मा प्रकाश से पूछताछ कर रहे थे, लेकिन फिर जब अपने जवाबों से वो संतुष्ट नहीं कर पाई एनसीबी के अधिकारी को, इसमें एक महिला अधिकारी भी शामिल थी, कुल मिला के 6 अधिकारी, तो फिर दोनों का सामना होता है और फिर खबर ये आती है। जी न्यूज आपको सबसे पहले बताता है कि महिला अधिकारी जो इस टीम में मौजूद है वो सख्ती से सवाल पूछ रही है दीपिका और करिश्मा से। अब ये बहुत बड़ी अपडेट है, आप इसे समझिए, इस पूरी जानकारी की संजीदगी को भी समझिएगा। दो बातें हैं, पहली बात तो ये जिस चैट के आधार पर दीपिका पर ये संगीन आरोप लगे कि उन्होंने ड्रग्स मंगवाई या वो ड्रग्स लेती थी, उसमें से एक बात तो उन्होंने कबूल कर ली, वो बात ये कि वो चैट जो थी वो सही है, उसे वो कबूल करती हैं। दूसरी बात वो डिनाई कर रही है कि उन्होंने ड्रग्स लिया, यानी किसी भी प्रकार के सेवन से ड्रग्स के वो डिनाई कर रही है। तो अब स्वाभाविक से जो सवाल है, देखिए वो कौन से 11 सवाल जो दीपिका से पूछे गए थे, उनमें ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल जी न्यूज ने आपको बता दिया था कि चैट को लेकर दीपिका की जो भूमिका है, जो उनके एडमिन होने का खुलासा हुआ है, उसे लेकर एनसीबी उनसे पूछताछ करेगी। प्रमोद शर्मा मेरे सहयोगी जो पल पल की अपडेट दे रहे हैं, एनसीबी गेस्ट हाउस के बाहर हैं। प्रमोद, ये बहुत बड़ी जानकारी है, अगर दीपिका ये एक्सेप्ट करती हैं कि चैट में जो उनका नाम आया, जो चैट हो रही थी वो दीपिका की ही है, उन्होंने इसका मतलब ड्रग्स मंगवाया, सीधे तौर पर ये कबूलनामा। देखिए बिल्कुल, एनसीबी उनको कन्फ्रंट करा रही है करिश्मा के साथ इसी चैट को लेकर। दीपिका ने एनसीबी के सामने ये बात तो कबूल की है कि उनके फ़ोन से ही ये चैट हुई थी और ये नंबर उन्हीं का था 2017 में, लेकिन ड्रग्स के लिए उन्होंने जो व्हाट्सएप मैसेज है या चैट में वो दिया था, उसको लेकर वो गोल मोल जवाब दे रही है। इसलिए कन्फ्रंट दोनों को आमने सामने कराया जा रहा है और एनसीबी के सूत्रों से जो हमारी जानकारी मिल रही है वो अब टूटती हुई नजर आ रही है और उनका कहना है कि ये बात सच कबूल लेगी, आज सच से सामना जरूर दीपिका का होगा और उन्हें ये बात कबूलनी पड़ेगी कि जो मैसेज उन्होंने किया था जया शाह और जो करिश्मा के साथ की ड्रग्स मंगवानी है और एक पार्टी करनी है, यंगस्टर्स को बुलाना है, किस दिन पार्टी करनी है और कौन कौन सी वो ड्रग्स है, और इसके अलावा भी जो स्टेटमेंट जो है जो ड्रग पैडलर्स ने दिया है, जिसमें अनुज का नाम सबसे खास है, उसने बताया है कि किस तरीके से करिश्मा के जरिए ड्रग्स जो है वो दीपिका तक पहुंचती थी। तो अब जब कन्फर्म कराया जा रहा है और सवालों के जो जवाब ठीक से नहीं दे पा रही है, तो अब दीपिका जो है वो टूटती हुई नजर आ रही है और मुमकिन है कि थोड़ी देर बाद या अगले आधे एक घंटे में वो ये मान लेंगी कि ड्रग्स के लिए उन्होंने ऑर्डर दिया था और जया शाह और करिश्मा के जरिए उन्होंने ड्रग्स मंगवाई थी। लेकिन जिस तरीके से वो तैयारी करके आई थी, उसके बाद एनसीबी ने अपनी रणनीति बदल दी और उसके बाद उनसे दूसरे तरीके से सवाल करना शुरू किया, उन्हें सबसे
पहले एनडीपीएस एक्ट के बारे में बताया और ये बताया कि अगर वो ये मान लेती है कि ड्रग्स उन्होंने ली थी 2017 में और फिर उन्होंने ड्रग्स कभी नहीं ली और क्योंकि पुरानी चैट है और उसके बाद उन्होंने ड्रग्स छोड़ दिया, तो बस उन्हें सिर्फ उस आदमी का नाम बताना है कि किसके जरिए ये ड्रग्स ली थी, उसके बाद वो फ्री हो सकती है। लेकिन वो पहले ये बात नहीं मान रही थी क्योंकि दीपिका के पजेशन से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुई है। तो आप अगर ध्यान देंगे तो रिया चक्रवर्ती ने भी ये बात मानी थी कि ड्रग्स नहीं ली है, लेकिन उसके बाद उनके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन और प्रिक्रूटमेंट का चार्ज लगाया था कि वो ड्रग्स पूरे सिंडिकेट का हिस्सा है। इसी का डर जो है वो दीपिका को भी एनसीबी दिला रही है कि ड्रग्स के ना लेने की बात जो है रिया ने भी की थी, लेकिन वो पिछले कितने 8 तारीख को गिरफ्तार हुई थी और अभी तक वो जेल के अंदर है। तो ऐसे में अगर वो ये बात मान लेती है कि वो ड्रग्स अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए उन्होंने लिया था, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिहेबिलिटेशन सेंटर के लिए बोल सकते हैं या फिर 2017 का है, अब अगर वो नहीं लेती है तो वो बच सकती है। लेकिन एनसीबी को उस आदमी तक पहुंचना है जो कि ड्रग्स की सप्लाई बॉलीवुड के अंदर कर रहा है। लगातार वहां से सारी जानकारी दे रहे हैं दीपिका के इस वाले स्टेटमेंट से, इस कबूलनामे के बाद अगर इसे ऐसे समझे, आप सोचिए जिस हेलोइन पार्टी का जिक्र हो रहा है, कोको क्लब का जिक्र हो रहा है, उसमें कितने सितारे थे, सब आपस में दोस्त थे। अगर करिश्मा प्रकाश ये कहती है कि ड्रग्स आया था, दीपिका ये कहती है ड्रग्स मंगाया था लेकिन हमने लिया नहीं, तो इसमें इस तर्क को कितना जायज समझा जाए? तो फिर ड्रग्स लिया किसने अगर सब ये कहेंगे चैट आने के बाद कि हाँ भाई हमने मंगवाया था लेकिन हमने लिया नहीं? देखिए पायुदी, सबसे पहले हमें समझना होगा कि एनसीबी की जांच जो है वो किस चीज को लेकर है। वो बॉलीवुड में जो ड्रग्स कंजप्शन है और ड्रग्स सप्लाई है उसको लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जिन जिन लोगों के सामने नाम आए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है कि आपके पास ड्रग्स पहुंचाता कौन था, आखिर कौन सप्लायर है, किसके जरिए ड्रग्स जो है बॉलीवुड में आती थी। अरबों खरबों का ये काला धंधा है जो बॉलीवुड में ड्रग्स कंजप्शन की करवाया जाता है, तो वो आखिर वो बड़ा नाम कौन है, किस तक उस तक एनसीबी पहुंचना चाहती है। ये बॉलीवुड जो सितारे हैं ये एंड यूजर है, ये पैसा देके ड्रग्स खरीदते हैं, सेल्फ कंजप्शन करते हैं या पार्टियों में ड्रग्स जाती है। बहुत बड़ी अपडेट है आज की कि दीपिका ने भले अभी ये एक्सेप्ट नहीं किया, ये कबूल नहीं किया कि उन्होंने कंसेप्शन किया, उन्होंने सेवन किया, लेकिन वो ये कहती है कि जो चैट सामने आया 2017 का वो ठीक है। इसका मतलब चैट में दीपिका ने ड्रग्स जो मंगवाई थी, दीपिका ने ड्रग्स मंगवाई थी, अब सेवन किया या नहीं किया था ये इसे लेकर पूछताछ हो रही है। और सख्ती से आप ये समझिए एनसीबी के अधिकारी, क्योंकि उसमें एक महिला पुलिसकर्मी मौजूद है, सख्ती से पूछताछ कर रहे हैं। तो अब आप इंतजार इस बात का कीजिए कि क्या और बड़ा खुलासा हो सकता है, क्योंकि पल पल की अपडेट जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। मैं आगे बढ़ू, ये तीन तस्वीरें आप देख लीजिए। दीपिका पादुकोण जब पहुंची थी एनसीबी गेस्ट हाउस, सारा अली खान अब से थोड़ी देर पहले पहुंची है, 20 से 22 मिनट पहले, श्रद्धा कपूर उनसे 20 से 22 मिनट पहले पहुंची थी, और अब तीनों से पूछताछ हो रही है। यानी अब बंद कमरे में सारे राज खुलते जा रहे हैं, जिनका खुलासा करने के लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। बॉलीवुड के ड्रग्स जाल में आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि आज एक नहीं, दो नहीं, तीन नायिकाएं ड्रग्स पर एनसीबी के प्रश्नकाल का सामना कर रही हैं। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर इस वक्त एनसीबी के सवालों का सामना कर रही है। लेकिन दीपिका से लगभग 1.5 घंटे अकेले में हुई पूछताछ के बाद उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश के साथ आमना सामना कराकर सवाल पूछे जा रहे हैं। कैसे पहुंचे? मां साहब नहीं भेजा है इन्हें आज की महफिल से जाने। महफिल शुरू की जाए। किसकी तलवार पर सर रखूं ये बता दो मुझे। इश्क करना अगर खता है तो सजा दो मुझे, मैं अगर हरफे गलत हूं तो फिर मिटा दो मुझे। बॉलीवुड की मस्तानी का स्टारडम मिटेगा या फिर बचेगा, इस बात का फैसला होना अभी बाकी है। लेकिन जो कुछ होने वाला है उसके संकेत अभी से मिलने शुरू हो चुके हैं। दीपिका पादुकोण एनसीबी के दफ्तर में पूछताछ का सामना करने पहुंच चुकी हैं और एनसीबी के अधिकारी दीपिका से पूछताछ कर रहे हैं। बॉलीवुड की जिन अभिनेत्रियों की हर अदा पर फैंस जान छिड़कते थे, जिनके दिलकश अदाओं को देखने के लिए सिनेमा घरों में भीड़ लग जाती थी, उनके निगाह मुंबई के एनसीबी दफ्तर पर टिकी है, क्योंकि उनके तीनों चहेते सितारे आज यहीं चमक बिखेर रहे हैं। आज दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान से एनसीबी की पूछताछ में ड्रग्स मामले को लेकर कई बड़े खुलासे होने वाले हैं। आज क्या होगा इसका तो पता नहीं, लेकिन कल जो खुलासा हुआ वो दीपिका के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता।
क्योंकि जिस ड्रग चैट के खुलासे के बाद दीपिका को गोवा से शूटिंग छोड़कर मुंबई पूछताछ के लिए आना पड़ा, दीपिका उस ड्रग ग्रुप की एडमिन निकली है। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक दीपिका और उनकी मैनेजर करिश्मा एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाती थी। इस ग्रुप में दीपिका और करिश्मा के अलावा जया साहा भी शामिल थी। इस ग्रुप में ज्यादातर बातें ड्रग्स को लेकर होती थी और एनसीबी सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स ग्रुप की एडमिन दीपिका पादुकोण थी। इस खुलासे के बाद दीपिका की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि जिस ग्रुप में ड्रग्स की बातें की जाती थी वो दीपिका ने खुद ही बनाया था। ये बात एनसीबी पूछताछ में दीपिका के खिलाफ जा सकती है। वैसे ऐसे और भी कई सबूत हैं जो दीपिका पादुकोण की मुश्किलों को बढ़ा सकते हैं। चलिए अब आप ये समझिए कि दीपिका किन सबूतों के आधार पर एनसीबी के सामने असहज महसूस कर सकती है। सबूत नंबर एक तो ये कि करिश्मा के साथ ड्रग चैट में दीपिका ने माल मांगा। दूसरा ये कि ड्रग चैट में हैश और गांजे की बात की। दीपिका के हेलोवीन पार्टी की तस्वीरें भी वायरल हुई। कोको क्लब की पार्टी में दीपिका के साथ कई सेलिब्रिटीज मौजूद थे। करण जौहर की पार्टी वाले वीडियो में भी दीपिका मौजूद थी और करण जौहर की पार्टी की जांच एनसीबी कर सकती है। इसके अलावा दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश से पूछताछ में ऐसी कई जानकारियां मिल सकती हैं जो दीपिका की मुश्किलें यकीनन बढ़ा देंगी। फिलहाल करिश्मा से पूछी गई एनसीबी के सवालों की लिस्ट जी न्यूज के पास मौजूद है। एनसीबी ने करिश्मा से पूछा कि क्वान कंपनी में किसने आपको दीपिका पादुकोण का पीआर देखने के लिए कहा? दीपिका से आप पहली बार कब मिली? क्या दीपिका ने आपसे ड्रग्स की डिमांड की थी? अगर हाँ तो कितनी बार और कौन कौन सी ड्रग्स की मांग की गई थी? ये ड्रग्स आप किसके जरिए मंगवाती थी? दीपिका और आपकी एक चैट सामने आई है, क्या ये चैट आपकी ही है? दीपिका ने कब कब आपसे ड्रग्स की मांग की? क्या दीपिका रेगुलर ड्रग की डिमांड करती थी? चैट में कोको रेस्टोरेंट के बारे में भी लिखा है, उस दिन वहां क्या हुआ था, उस दिन के बारे में विस्तार से बता। जाहिर सी बात है कि इन सभी सवालों के बाद एनसीबी को करिश्मा प्रकाश से ऐसी कई जानकारियां मिल जाएंगी जिनसे दीपिका पादुकोण पर एनसीबी आसानी से शिकंजा कस सकती है। रिया चक्रवर्ती से सारा अली खान और जया साहा से श्रद्धा कपूर और करिश्मा प्रकाश से दीपिका पादुकोण, यानी एक के बाद एक इस कड़ी में कौन कौन से बड़े नाम जुड़ेंगे, ये सवाल अब भी बना हुआ है और ये सवाल बॉलीवुड की घबराहट को और बढ़ा रहा है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, मुंबई। तो दीपिका पादुकोण से फिलहाल तो पूछताछ हो रही है, करिश्मा प्रकाश से उनका सामना करवाया जा रहा है और जानकारी यह है कि वो अपनी 2017 में हुई चैट को कबूल भी कर चुकी हैं। तो अभी बहुत सस्पेंस बाकी है, अब बने रहिए जी न्यूज़। प्रेजेंटिंग वी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।